अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिजवान हैदर मोहसिन अली आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो भाईजान एक्साइटमेंट में मैं म्यूजिक ही भूल गया। कोई बात नहीं भाईजान, ये कौन सा, ये तो अपना शो है, ये कौन सा हम कोई टीवी पे कर रहे हैं, हम अभी चला देते हैं। सुने जनाब आप म्यूजिक सुने। हाँ जी, तो सुन लिया म्यूजिक आपने भैया, बहुत ही शानदार बेहतरीन मैच। और ये नेदरलैंड्स, ये तो जब से इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया मुझे तो वैसे ही इनसे प्यार हो गया। और आज इन्होंने कमाल किया है, 374 के जवाब में पूरे पहले 374 किए। फिर जो बंदा आठवें नंबर पे बैटिंग करने आया था उसको सुपर ओवर में कहा जी भाई सामना तू ही कर ले, उसने ऐसा होल्डर का कचूमर निकाला कि अब वो आने वाले काफी महीनों तक ख्वाब में आके डराता रहेगा होल्डर को। जनाब लोगान वीक तो खैर नहीं था, बड़ा कमजोर था, लोगान वैन बीक। तो जनाब नाम तो जरा थोड़ा औखा ही है लेकिन काम इसने बड़ा सोखा किया है। तो लोगान साहब ने पता नहीं किस चक्कर में लगान लिया है होल्डर से, तो ये लोगान मियां ने भर भर के लगान लिया है और इतना लगान लिया है कि पहली गेंद पे चौका, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे चौका, चौथी पे छक्का, पांचवी पे छक्का, छठी पे फिर चौका, सुपर ओवर में 30 रन। तो इससे ज्यादा तो भाई मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि सुपर ओवर में किसी ने रन इतने डाले हों। और सिर्फ जीत के लिए 31 रन चाहिए था, 31 रन चाहिए थे एक ओवर में, बस 30 ही किया था। तो वेस्ट इंडीज मैच हारी है। पहले तो देखें 374 के जवाब में 374 इन्होंने बनवा कैसे दिए, और फिर सुपर ओवर में कमाल कर दिया। तो अभी ये वाला जो वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, प्रॉबली दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम वी वुड बी वॉचिंग अ वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वेस्ट इंडीज, बिकॉज प्रॉबली दे वोंट बी एबल टू क्वालिफाई। ऑलमोस्ट 90% दे आर आउट, स्टिल देयर इज अ ब्लीक चांस कि कोई इसको हरा दे, इधर हरा दे, ये हो जाए, वो हो जाए, ये अपने बाकी सारे मैच जीत जाए, तो फिर जाके कोई कहानी बनती है। तो बिल्कुल ये आज पे पहुंच चुके हैं। उस दिन ये जिम्बाब्वे से हारे थे तो 50% इनका काम रिड्यूस हुआ था, आज ये हारे हैं तो 90% 95% rather they are out। तो उस पे बात होगी। फिर पीसीबी में क्या जी, वो आपने सीजन देखा बड़ा मशहूर गेम ऑफ थ्रोन्स, तो भाईजान इधर भी बड़ा पीसीबी की पॉलिटिक्स, गेम्स ऑफ पॉलिटिशियन ऑफ पीसीबी। तो कल इलेक्शन थे लेकिन वो स्टे ले लिया है, अशकील शेख साहब ने बड़ा वो ट्वीट डाला है कि जी बलोचिस्तान हाई कोर्ट से बड़ी दूर जाके लिया वैसे इस ये स्टे, तो उस पर बात करेंगे मोहसिन साहब से कि ये क्या मामला है, क्या चक्कर है। बाकी भी वो लड़कियां राम स्कूल से ऑस्ट्रेलिया की जिंदगी जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इन पे होगी गुफ्तगू। जी मिस्टर मोहसिन अली साहब, हाउ आर यू? आई एम गुड जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो जी मिस्टर मोहसिन अली साहब, लोगान वैन बीक, तो बीक इज नॉट वीक एट ऑल, हालांकि मैं रिकॉर्ड देख रहा था, ऐसा नहीं है कि बहुत भाईजान उसका नाम लोगान नहीं, लगान है, लगान वो लगान लगान टू आई है और उसने वेस्ट इंडीजियों से चुगना लगान लिया है। हम दुगना और तिगने में थे, चुगना में, आपको बार बार कह रहा था रिजवान साहब कि दे आर वेरी वेरी डेंजरस साइड, दिस नीदरलैंड साइड, दे आर समहाउ, देखे जब आप मैच खेलते हैं इंडिया पाकिस्तान, देखे इसका फायदा होता है। मैं आपको कितने अरसे से रिजवान साहब कह रहा हूँ कि आईसीसी थोड़ा होश के नाखून ले
और अगर वो इस तरह एसोसिएट नेशंस को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें तो ये मिट्टी, ये नम जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो भाईजान ये नीदरलैंड ने आज वेस्ट इंडीज जिसका एक नाम मकाम उसको दफन कर दिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 374 रिजवान ऑनेस्ट टू गॉड। अगर आप मुझे 10 में से 10 दफा कहे मैं 10 में से 10 दफा लगाऊंगा वेस्ट इंडीज जीतेगा, 10 में से 10 दफा लगाऊंगा कि वेस्ट इंडीज जीत। ये आज सयाह तरीन काली आंधी कहा जाता था और कहा जाता था ये खौफनाक वेस्ट इंडीज है। और जो क्लाइव लाइट की टीम होती थी इनविंसिबल्स रिजवान, आज वो गरक हो गई है, तबाह हो गई है, टाइटैनिक हो गई है। जो 112 साल लगे अभी तक नहीं है, नीचे घुसा हुआ है। तो आज वेस्ट इंडीज जो है अपनी तारीख के सयाह तरीन दौर में, देखिए हार जीत होती है लेकिन T20 इज अ गेम ऑफ सरप्राइजेस। यू कांट हैव सरप्राइजेस आफ्टर स्कोरिंग 450 रन। रिजवान साहब वेरी वेरी शेमफुल परफॉर्मेंस बाय द वेस्ट इंडियन टीम। हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड, टेक नथिंग अवे फ्रॉम देम, बट एज अ जेन्युइन क्रिकेट फैन, अ क्रिकेट लवर एंड हु हैज फॉलोइंग वेस्ट इंडीज क्रिकेट फ्रॉम लेट 70s टिल 20s, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आज बिशप भी और बाकी भी इतनी 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 तबाही क्यों हुई है। वो ये हुई है जब व्हेन यू टर्न योर बैक एट योर कंट्री, देखें कंट्री कहेंगे ऑल्दो दे पार्टिसिपेट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स विद डिफरेंट नेम्स, कोई एंटीगा, कोई बारबाडोस, कोई जमैका, तो बात यह रिजवान क्रिकेट में ये एक परचम के तले खेला करते थे। आज इन्होंने अपनी क्रिकेट को पिछले साल 2022 वर्ल्ड T20 दो दफा की फाते वेस्ट इंडीज मेन राउंड वर्ल्ड कप ना खेल सकी, और आज 2023 जून की 26 रिजवान हैदर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम उन पस्तियों में चली गई है जो आपके लिए भी एक 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 वो मिसाल है कि रिजवान आप लोग बाज आ जाए। मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को अगर देखें, यू नेवर नो इन क्वालिफायर्स एवरी टीम इज प्लेस फियरलेस क्रिकेट, इट विल नेवर बी अ हेडलाइन वेस्ट इंडीज बीट जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज बीट नीदरलैंड, बट इट इज ऑलवेज अ हेडलाइन। इवन दो जिम्बाब्वे की हद तक आप किसी तरह मार्जिन दे दे, बट नीदरलैंड्स रिजवान आज सया दिन है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का, उनके जो सुनहरे गोल्डन डेज थे आज वो बदतरीन तारीखियों में डूब गए हैं। वेरी वेल डन नीदरलैंड्स। बिल्कुल जी, देखिए बैटिंग करते हुए कोई छोटा टोटल नहीं था, बहुत अच्छा तगड़ा बड़ा टोटल डाला, किंग 76, चार्ल्स 54, 25 ब्रुक्स, शाय होप 47, पूरन के बहुत अच्छा 160 के स्ट्राइक रेट से 104 नॉट आउट, शेफर्ड खैर कुछ नहीं है 25 पे, केमो पॉल 46 करके 374, बहुत बड़ा टोटल था 374। तो उसके जवाब में देखिए परफॉर्मेंस, विक्रमजीत सिंह अच्छा स्टार्ट दिया, चलो 37 किए लेकिन 32 गेंदों पे दिए, 36 मैक्स हो डाउड साहब वो वाला वाली सरकार। उसके अलावा फिर छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन आई है 33, 27, 35 इस तरह की कंट्रीब्यूशन, लेकिन फिर 76 गेंदों पे 111 जो आया तेजा साहब का, तेजा तो बहुत तेज खेला भाई, तेजा नाम है इतमाद का, तो तेजे ने आगे जो तेज काम किया है, तेजा हो या तिवाटिया हो नाम है इतमाद का जी, 76 गेंदों पे 111 तेजा साहब ने जो आके किया है तो उसने मोमेंटम दिया इनको बड़ा अच्छा, मतलब 150 के स्ट्राइक रेट से। फिर स्कॉट एडवर्ड्स इनका विकेट कीपर और कप्तान भी, उसने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है 47 गेंदों पे 67 की,
लेकिन ये भाई लोगान वैन बीक साहब जो हैं, ये आठवें नंबर पे बैटिंग करने आए, 14 गेंदों पे 28 इन्होंने भी किया, और आखिरी गेंद पे जाके ये जनाब टाई हो गया, वरना ये मैच लेके निकल गए थे। तो जो आठवें नंबर पे लोगान वैन बीक साहब आए हैं, जिन्होंने 14 गेंदों में 28 किया था, जो 50 ओवर वाले मैच में बैटिंग करते हुए 200 के स्ट्राइक रेट से, तो इन्होंने कहा कि यार इसकी सही बल्ले पे गेंद आ रही है, इसी को भेज देते हैं। भाई कितनी ऐसी टीमें हैं, मैं बड़ी दूसरी टीमों की भी बात करता हूँ, पाकिस्तान की, इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह की, जो नंबर 8 पे बंदा बैटिंग करने आ रहा है, कोई कौन भेजेगा उसको? जी सुपर ओवर है तो तू ही चला जा, सुपर ओवर है तो भाई तू ही चला जा। मैं आपको इसकी एवरेज वगैरह बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही गेंद की धागे फाड़ने वाली कुछ इसका रिकॉर्ड है कि जी बहुत धुलाई करता है। टोटल 21 मैच है इसके इंटरनेशनल, और उसमें जी इसके 310 टोटल रन थे, 20 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 80 का है। 80 का स्ट्राइक रेट कोई बहुत खास नहीं होता, तो ये टेक्निकली बॉलर है, और उसमें 28 विकेट हैं 21 मैचेस में इसकी। तो आठवें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, और उसको कहा कि भाई सुपर ओवर में तू ही चला जा, तो वो तो इसी खुशी में कि जी मेरी प्रमोशन हो गई है तो मुझे अब परफॉर्मेंस करके दिखानी है। तो जनाब उसने चौका, छक्का, चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, तो होल्डर का उसने मतलब बल्ब लगाने जोगा नहीं छोड़ा, होल्डर को तोड़ फोड़ के रख दिया। इतना मारा, इतना मारा। और देखें, मैं आप देखें उसकी हाइलाइट्स भी आपको मिल जाएंगी भाई, यॉर्कर एक भी अच्छी जगह पे एग्जीक्यूट नहीं कर सका, बिल्कुल जड़ में मार ही नहीं सका, बल्ले के नीचे मुंह में बना के दे रहा। ये नहीं कि उसने अच्छी शॉट्स नहीं खेली, उसने अच्छी शॉट्स खेली है, लेकिन एक भी प्रॉपर यॉर्कर लेंथ पे गेंद इससे लगाई कोई नहीं। क्या फायदा इतने साल खेलने का और ये सब कुछ। आखिरी बात करूंगा मैं इस पे कि ये होल्डर पे वसीम अकरम का एक इंटरव्यू था, और वो केकेआर की उधर कोचिंग किया करते थे आईपीएल में, तो ये भी आईपीएल में उन्हीं की केकेआर की तरफ खेला करता था। तो वसीम अकरम कहते हैं मैं इसको बॉलिंग की टिप्स दिया करता था, और मैं उधर मुड़ मुड़ा के किसी और के साथ बात कर रहा होता था, तो देखता था ये पैड बूट पहन के ये बैटिंग कर रहा होता था। ये बात हो रही है होल्डर की कि मैं उसको नुस्खे बता रहा हूँ कि भाई ये गेंद ये ऐसे पकड़ना, ये स्विंग स्विंग, ये सिलाई, ये इतना, ये टांका ऐसा लगता है, ये वो। तो जैसे ही मुड़ के किसी और से गपशप कर रहा होता था, तो ये उधर नेट में घुसा होता था। तो एक दिन मैंने पकड़ लिया कि भाई तू बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, तू क्या करना चाहता है? तो ये नो आई लाइक टू डू बैटिंग टू, या आई नो आई बॉलर बट आई आई फील दैट आई कैन डू वेल एंड बैटिंग टू, आई वॉन्ट इम्प्रूव माई बैटिंग। तो उस चक्कर में बॉलिंग का ये हाल हो गया कि बीक वीक साहब ने इसको 30 रन डाल दिए एक ओवर में, और ओवर भी था सुपर ओवर कि जिसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि सुपर ओवर में बंदा अपना बेस्ट एक एक गेंद सोच समझ के डालने की कोशिश करता है, ऐसी गेंद करवाऊंगा जिसपे मार ना लगे, और जहां पे बेस्ट करवाना है उसी पे जनाब पिट गए। तो उसपे जब पिट गए हैं, तो अब ये 2 टाइम्स चैंपियन, वो काली आंधी जो 75 का वर्ल्ड कप जीती, फिर 79 का जीती, 83 का फाइनल भी खेली, तो भाई अब ये हाल इनके ये हैं बहुत पतले। तो भाईजान ये होल्डर क्या, इसका जो बल्ब फ्यूज हो गया है, बल्ब तो खैर था ही नहीं बीच में, तो अब ये क्या मतलब इससे बोले लोग, इतना ये आईपीएल खेलता है, बाकी लीग्स खेलता है, इससे कोई यॉर्कर पे एक गेंद नहीं लगा 6 में से, ये क्या है भाईजान ये बंदा? क्या बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है रिजवान हैदर के, दे आर नॉट सीरियस। आई एम सॉरी, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स आर नॉट सीरियस, दे आर डिस्ट्रॉइंग द नेम, द गोल्डन एरा, द गोल्डन पास्ट ऑफ वेस्ट इंडियन क्रिकेट विद देयर नॉन सीरियस एटीट्यूड। ये इनसे गाने गवाएं, इनसे डांस करवाएं, इनसे मौज मस्ती करवाएं। अब ये क्रिकेट विकेट आप देखे, हिटमायर ने अपनी टीम के साथ क्या किया, आप देखे ना, ये भी तो गद्दारी है ना, ये भी तो वतन दुश्मनी है कि एक इतना अच्छा प्लेयर है, अगर वो जान बूझ के फ्लाइटें मिस करेगा
तो बोर्ड इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू सेंड यू होम। अब देखो डैरन सैमी जैसा कमाल का कप्तान और कोच, उस बेचारे का भी इन्होंने कचूंबर निकाल दिया। पहले जिम्बाब्वे से जलील हुए, आज जलील ख्वार हो गए। इतनी घटिया बॉलिंग इसने की है, इतनी घटिया बॉलिंग की है, जोन में बॉलिंग की है कि हाँ बैल मुझे मार। ये मुझे तो लग रहा था होल्डर कोई नेट प्रैक्टिस करवा रहा कि छक्के चौके कैसे खाने। मिस्टर कुमार किरण जी सर, वेस्ट इंडीज को मार मार के भरता बना दिया जी। भरता नहीं, भुरता होता है, रिजवान साहब का लफ्ज ठीक है, बैंगन का भुरता होता है। तो बिल्कुल जी बन गया। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्ल्ड कप में ये हमें हरा ही देते हैं वेस्ट इंडीज हमेशा, तो आपने जो शानदार जानदार दमदार दुमदार 106 रन पे आपको वेस्ट इंडीज ही ने लपेटा था। नहीं, वेस्ट इंडीज 2007 में हम आगे नहीं गए थे, वेस्ट इंडीज से आ रहे थे वापस आगे। 2019 में पहला मैच इनसे था, आगे नहीं पहुंचे सेमीफाइनल में, वापस आगे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते क्योंकि वेस्ट इंडीज नहीं था तो हम जीत गए। तो शायद कि हमारे लिए तो ठीक ही बात है कि अगर ये नहीं होंगे लेकिन ये है कि फिर जिम्बाब्वे आ जाएगा और जिम्बाब्वे बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है आजकल, तो हमारा उनके साथ बड़ा टांका फिट होता है। एनीवेज जी, हैट्स ऑफ टू नेदरलैंड्स, 374 बोर्ड पे देख के ना बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट जाते हैं। आगे चाहे कोई सी भी टीम हो, व्हेन यू सी 374 ऑन द बोर्ड आपकी टांगे कांप जाती हैं एक दफा, और बड़ा लंबा सफर होता है। बट हैट्स ऑफ टू देम कि अपने नर्व्स पे काबू रखा। और एक बंदा मिस्टर तेजे साहब, तेजे का पूरा नाम क्या है मैं देखता हूँ भाई, तेजे का नाम पूरा मैं अभी देख रहा था, जरा ओखा था तो मैंने कहा चलो तेजा साहब ही पढ़ देते हैं। तेजा निदम मनारू, तो मेरे ख्याल में तेजा ही ठीक है तो मिस्टर तेजे ने जाके 76 गेंदों पे 111 किया है। उसका नाम है तेसा, मिस्टर तेसा, जो हमारे यहाँ तेसा होता है ना, उन्हें अपना तेसा रखा जी तेज तो बहुत बात है भाई कि एंड तक उसका कॉन्फिडेंस उनका रहा कि यस वी विल चेज दिस टाउन। और अभी उम्मीद है इसकी नेदरलैंड्स के भी, यू नेवर नो यार, अगर इतना अच्छा खेल के गए हैं, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। नेदरलैंड ने वर्ल्ड कप से साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया, हमें इन कर दिया, अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज को आउट कर दिया। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी एट द मोमेंट, ऑब्वियसली श्रीलंका दे आर प्लेइंग सम एक्सीलेंट क्रिकेट, बट यू नेवर नो, इट्स क्रिकेट। और अभी इसी वेस्ट इंडीज का हमने बात की 83 में वर्ल्ड कप में, एवरीवन वाज सेइंग ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज दे आर द फेवरेट्स, लेकिन इंडिया जीत गया। और श्रीलंका के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा कोई हो जाता है, जीत जाते हैं, तो दे हैव ऑल द चांसेस दैट दे कैन आल्सो क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। तो हैट्स ऑफ टू नेदरलैंड्स, अभी समझिए मतलब 6 टीमें हो ही गई हैं पूरी कि जिन्होंने सुपर 6 में जाना है। वेस्ट इंडीज वाले ग्रुप में सबने अपने अपने चार चार मैच खेली हैं, वेस्ट इंडीज तीसरे नंबर पे फिनिश किया है और 2 मैच ही जीता है नेपाल और यूएसए से, और 2 हार गया नेदरलैंड जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे सारे जीता है, नेदरलैंड 1 हार गया जिम्बाब्वे से, बाकी 3 जीत गया। तो अब वेस्ट इंडीज जो कि ऐसा महसूस किया जा रहा था इस ग्रुप से टॉप पे फिनिश करेगी, वो इस ग्रुप में बॉटम पे फिनिश किया, जितनी टीमों तरफ से था। तो वो जो कह रहे थे कि शायद पहले पे वेस्ट इंडीज हो, फिर जिम्बाब्वे, फिर जाके कहीं नेदरलैंड, तो वो नेदरलैंड तो दूसरे पे आ गया, जिम्बाब्वे पहले पे और वेस्ट इंडीज तीसरे नंबर पे क्वालिफाई किया इस ग्रुप से। दूसरे ग्रुप में ऑब्वियसली एक एक मैच रहता है अभी, और श्रीलंका और स्कॉटलैंड का एक एक मैच अब मेघल में आपस में इनका रहता है, तो जो इनमें से जीतेगा वो टॉप पे फिनिश कर जाएगा और दूसरे नंबर पे फिर जो हारेगी वो आ जाएगी, और ओमान जो है वो भी क्वालिफाई कर गया, आयरलैंड और यूएई वहां से फारिग हो गई, यहाँ से नेपाल और यूएसए फारिग हो गई। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप देखिए जिम्बाब्वे के
जो आगे पॉइंट काउंट होंगे, जो दो टीमें क्वालिफाई करके गई हैं, तो उन दोनों से जिम्बाब्वे मैच जीता है, यानी नेदरलैंड से भी जीता है और वेस्टइंडीज से भी जीता है, तो उनके 4 पॉइंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सुपर सिक्स का भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सुपर सिक्स में भी आप जिम्बाब्वे के दो मैच में से समझे कि जी वो जीते हुए हैं, उन्होंने दोनों मैच 4 पॉइंट है, 3 मैच उन्होंने और खेलने हैं दूसरी टीमों से, 3 में से अगर वो 2 भी जीत जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 में से वो 2 मैच जीत जाते हैं, यानी उनका मैच होगा स्कॉटलैंड, श्रीलंका और ओमान से, अगर इन 3 में से 2 जीत जाते हैं तो उनके टोटल पॉइंट हो जाएंगे 8, 4 पहले हैं, तो वेस्टइंडीज तो 8 को नहीं पहुंच सकता क्योंकि वेस्टइंडीज तो 0 पॉइंट के साथ गया है सुपर से। वो तीनों मैच भी वेस्टइंडीज आगे जीत जाए तो फिर भी जिम्बाब्वे को कैच नहीं करेगा, एक टीम तो जिम्बाब्वे होगी फिर, वो तो चली गई वर्ल्ड कप में, और बाकी जो दूसरी टीम है, अगर श्रीलंका भी वहां से अपना तीसरा मैच आखिरी मैच जीत जाता है जो स्कॉटलैंड से जीत के आता है, तो उसके भी आके फिर जो पॉइंट्स हैं वो 4 हो जाएंगे, तो उनको भी सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, तो श्रीलंका को श्रीलंका और नेदरलैंड से कोई एक मैच जीतना है और वो या ये वेस्टइंडीज वाला मैच जीतना है, तो उनको भी 3 में से 2 मैच जीतने हैं, वेस्टइंडीज वैसे ही नॉकआउट हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 2 मैच हार के भी श्रीलंका ये जिम्बाब्वे आगे गो थ्रू हो सकता है, तो वेस्टइंडीज बहुत ही ब्लीक चांसेस हैं वेस्टइंडीज के। वेस्टइंडीज अब समझे 95% जो है वो बाहर हो ही गया है, और अब ये वाला वर्ल्ड कप आपको वेस्टइंडीज के बगैर ही देखने को मिलेगा। तो मौसम साहब, जहां की अच्छी बात है कि जैसे स्कॉटलैंड ने बड़ा अच्छा खेला, आयरलैंड ने डिसअपॉइंट किया, नेदरलैंड जिस तरह खेल रहा है बड़ा अच्छा खेल रहा है, दीज आर द कंट्रीज विच आर डूइंग सो वेल, इमर्जिंग कंट्रीज इन क्रिकेट। लेकिन जहां से हुआ था आगाज के, जिनको काली आंधी कहा जाता था, वो पुराने क्रिकेटर्स के हमने इंटरव्यूज देखे हैं कि वो जब जब भी वेस्टइंडीज से मैच होता था तो कोई बहानों से ही खेलते थे, हमें ये इंजरी है वो इंजरी है, कि इनके फास्ट बॉलर्स को क्या खेलना है, कोई बहाना करके साइड पे ही हो जाओ, तो अब ये आलम हो गया जी उनके बगैर होगा वर्ल्ड कप, तो ये एक तरफ जरा थोड़ी खुशी भी है कि अच्छी टीमें और भी आ रही हैं, लेकिन एक एक इनका फ्लेयर होता है वेस्टइंडीज का, एक चार्म होता है यूनिक सा, लेकिन अब वो उसके बगैर ही ये होगा, तो कैसे देखते हैं आप ये डेवलपमेंट को? क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है रिजवान, कोई माने या ना माने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं तो आइडियली चाहता था श्रीलंका और वेस्टइंडीज आगे आए, बट इट इज वेरी मच एविडेंट नाउ के श्रीलंका और जिम्बाब्वे दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक के दे विल मेक इट टू द वर्ल्ड कप। बट देखिए जिस तरह नीदरलैंड्स खेल रहा है या स्कॉटलैंड खेल रहा है, टेक नथिंग अवे फ्रॉम देम, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन एज ए ट्रू क्रिकेट लवर देखें, अगर आपको कहा जाए वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ओमान, यूएई, हांगकांग, अमेरिका और नीदरलैंड वगैरह में आपने एक टीम पिक करनी है, मुझे यकीन है सारे वेस्ट इंडीज पिक करेंगे कि कंपिटेटिव मैच हो। मतलब एक ऐसी टीम है जो बिग बॉयज के सामने जाएगी तो बोनी नहीं लगेगी, मतलब है इनके पास ये क्वालिटी है। बद बद बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ बेशर्मी है कि ये अपने मुल्क के लिए एक झंडे तले इकट्ठे होके एज ए टीम नहीं खेले, ये डिवाइड हो गए और बहुत ही तारीख। अब मैं नहीं समझता वेस्ट इंडीज अब किसी भी सूरत में, या तो कोई मौजा आ जाए, वरना मुझे नहीं लगता रिजवान साहब वेस्ट इंडीज जो है अब किसी भी सूरत में वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जाएगी, मुझे नहीं लगता। बस ये बुरे हालात हैं, और मैंने आप दोस्तों को समझाने की कोशिश की है कि सुपर सिक्स का क्या सिनेरियो होगा। सुपर सिक्स का ये सिनेरियो है कि अब जिम्बाब्वे सारे ग्रुप के मैच जीता है, तो दो जिन टीमों से जीता है, यानी वेस्टइंडीज से जीता है और नेदरलैंड से जीता है, तो जो इनके साथ 2 टीमें गई हैं उनके मैच इंक्लूड हो गए जी सुपर सिक्स में, इनके साथ खेला हुआ पहली खेला हुआ, तो 2 मैचों के 4 पॉइंट, बाकी 3 टीमों के साथ वो खेलेगा जो दूसरे ग्रुप से आएंगी, तो मिल मिला के हर टीम जो है
वो इसमें यानी टोटल 5 मैच इंक्लूड होंगे सुपर सिक्स में, उसमें से जो 2 टॉप की टीमें होंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी। ये है जी सारा सिनेरियो। और अभी जिम्बाब्वे को जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो श्रीलंका से जिम्बाब्वे हार भी जाता है और बाकी 2 मैच जीत जाता है वेस्ट इंडीज आउट, और श्रीलंका भी दूसरी तरफ से उसको दे जस्ट नीड टू विन 2 मोर मैचेस, दैट्स इट। और उसमें से एक एक मैच जो है वो श्रीलंका जो है वो आराम से जीत सकता है। अगर वेस्ट इंडीज से हार भी जाए श्रीलंका तो भी वो क्वालिफाई कर सकता है, और ये उनसे जीत के भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये है जी सिनेरियो। मिस्टर कुमार कह रहे जी सर मुझे बैट पता नहीं चला चला था, नेदरलैंड्स हार्ट अटैक देने आता है आज वेस्ट इंडीज को, होना था नेक्स्ट टीम्स को भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है इस क्रिकेट जी भाईजान, ये जो टीम जो भी आएगी तो वर्ल्ड कप में कोई टीम इनको लाइट लेगी या क्या? भाईजान साउथ अफ्रीका से पूछ ले, पूछ ले, वो बता देंगे हम लाइट नहीं ले सकते। वो कहेंगे हम पूरा ट्रांसफार्मर लेंगे, नहीं लाइट नहीं लेंगे। नहीं विश्वास साहब, अगर कोई टीम हान करके किसी तरह सम हो चली जाती है अगर वर्ल्ड कप मेन राउंड में, तो भाईजान फिर आपको उनको स्टैंड अप एंड स्टैंडिंग ओवेशन देनी पड़ेगी। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो आज तो मोमेंट तो फिर देखें जिम्बाब्वे और श्रीलंका ही लग रहा है मोहसिन साहब। जी बिल्कुल यही दो लग रहे हैं, बट दे आर जॉइंट किलर्स, नथिंग टू लूज। ये तो बहुत बड़े दिल के साथ खेल रहे हैं नीदरलैंड भाई, यू नेवर हाँ नो। मुझे कोई शक और शुबा नहीं होगा अगर जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को लंबा डाल दिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हसारंगा हंसते हंसते 3 पंजे लगा गया, लेकिन आखिरी मैच में 70 odd रन भी दिए हैं। वो 29 ओवरों में ऑल आउट हो गए थे, वरना कुट वो भी सही चढ़ा रहे थे। तो रिजवान साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त नीदरलैंड जो है इन सारी टीमों में अगर कोई बड़े दिल के साथ उतरेगा तो वो नीदरलैंड उतरेगा, कि सबसे बड़ा मैच नीदरलैंड ने जीता है वेस्ट इंडीज वाला। देयर बिल्कुल जी, 300 जायंट किलिंग रन कंटिन्यू अनअबेटेड, दे आर थ्रैश साउथ अफ्रीका इन वर्ल्ड T20। इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्लूक वन टाइम, बिकॉज T20 यू नेवर नो। बट भाईजान वनडे में 374 रन, फिर 30 रन। सही बात है जी। 374 पे पहले मैच टाई हुआ और फिर सुपर ओवर में लोगान वैन बीक साहब ने ऐसा लगान लिया है, और ये 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया था। ही इज अ बॉलर, बॉलर हु कैन बैट एंड हु कैन हिट सम बिग शॉट्स। इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ ठीक है, ओवरऑल मैचेस का, मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो 20-22 मैच हैं टोटल। तो होल्डर को देखे भाई, तू पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट खेलता है, काफी सालों से तू खेल रहा है, और आगे कप्तान आठवें रहे नंबर पे, इनका, टॉप आठवें नंबर पे जो ऑलराउंडर बैटिंग रहा है। करने आया है, 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया है, या चलो जितना भी कोई अच्छा बड़ा बैट्समैन है, गेंद अगर अच्छी जड़ पे यॉर्कर लेंथ पे तुम 6 में से 1 भी नहीं डाल रहे यार। वी अंडरस्टैंड के पड़ जाती हैं शॉट, हैं छक्के लग जाते हैं, अगर युवराज सिंह हो तो समझ आती है 6 छक्के भी लग जाए। 8वें नंबर पे बंदा बैटिंग करके गया है और उसको उन्होंने भेज दिया ऊपर, तुम 30 रन खा गए हो यार उससे, 3 चौके और 3 छक्के, और वो भी उस ओवर में जिसमें तुम्हारी टीम को तुमसे सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए थी। एंड देन हैट्स ऑफ टू द सेम गाय लोगान वैन बीक, आफ्टर हिटिंग 3 सिक्सेस एंड 3 बाउंड्रीज इन द सुपर ओवर, द सेम गाय केम टू बॉल और ओवर भी वही कराने आया माशाल्लाह से, और आके पहली पे लगा छक्का, बस बाकी फिर डॉट डॉट तो फिर आउट 2 हो गए तो बस छुट्टी हो गई। हैट्स ऑफ टू दिस गाय यार, पहले मैच में 14 गेंदों पे 28 करके मैच ट्राई करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, फिर सुपर ओवर में आके 30 रन डाला जी होल्डर को, और फिर डिफेंड भी करने आया खुद ही ओवर करा के। वाह जी वाह, ऐसे प्लेयर भाई कमाल हो गया जी।
तो बहुत शानदार बेहतरीन, हैट्स ऑफ टू नेदरलैंड द वे दे प्लेड, एंड वेस्ट इंडीज मोस्ट लाइकली वी वोंट बी हैविंग वेस्ट इंडीज इन इंडिया दिस टाइम इन 50 ओवर्स वर्ल्ड कप. ऑब्वियसली दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज वोंट बी देयर. तो हॉकी में वही पाकिस्तान वाला हाल, सबसे ज्यादा 4 दफा की चैंपियन है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करती. फुटबॉल में थोड़ा ऐसा अक्सर आपने देखा, इटली चैंपियन टीम है इतनी बार की, वो दो वर्ल्ड कप गुजर गए हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते. अब वेस्ट इंडीज भी कतार में लगी हुई है. लेकिन अगर इन्होंने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह ये क्वालिफाइंग राउंड में निकल के गए थे, तो इन्होंने क्या तैयारी की है? इनको पता नहीं था कि ये इन्होंने खेल के जाना है, तो दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम. और सच पूछिए तो ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज में अच्छा खेलते हुए देखा वर्ल्ड कप में, बाकी टीमें इनको बहुत लताड़ती हैं, बड़ा कुटती हैं, तो ये काफी एक कमजोर टीम ही थी बीच में. पिछले वर्ल्ड कप में भी देखे, कोई एक आधा एक दो ही मैच जीते, एक हमसे जीते हैं, एक आधा शायद किसी और से, अफगानिस्तान से जीते हैं, या शायद कोई एक आधा जीत गए हों पिछले वर्ल्ड कप में भी, 19 की बात कर रहा हूँ. तो दे आर नॉट अ क्वालिटी टीम. जिम्बाब्वे इज प्लेइंग मच बेटर देन देम. दे आर द वर्दी टीम्स टू प्ले इन द वर्ल्ड कप. श्रीलंका साथ में जुड़ जाएगी. अच्छा जी, हरमित सिंह जी कह रहे हैं, माई पेरेंट्स रीच्ड कनाडा यस्टरडे, आई सेंट देम टू यूरोप ट्रिप लास्ट मंथ, डैड हैज रिटायर्ड, वेरी हैप्पी टू सी देम, मी एंड डैड वॉचिंग योर शो. हरमित सिंह जी बहुत शुक्रिया, अपने डैड नू साडा हैलो कहना, ते चलो यूरोप च घूम फिर रहे ने, ते जे इत्थे इंग्लैंड आले पासे इधर आए जिथे मैं रहना लीड्स आले पासे, ते इधर आए ते फिर कोई दसना, फिर उन्हां नू असीं मतलब दावत शावत करांगे उन्हां दी. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज, थैंक यू. अनुपम गौतम साहब हैं जी दुबई से हमारे साथ, वाई उनडकट इज इन द टीम, क्या करेगा ये वर्ल्ड कप 50 ओवर का, क्या खेलेगा ये जी भाई, क्यों है उनडकट टीम में? सीधा सीधा सवाल अनुपम गौतम की वर्ल्ड कप जाने. में तो इसकी जगह नहीं बनती, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने उठाया है। अब ये तो बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी, मैं जय शाह साहब और रॉबर्ट रॉजर बीनी साहब जो है जवाब इसका बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, इसीलिए दिलीप बेन सरकार उन्हें पढ़ गए। उन्होंने कहा भाई कोई विजन नहीं है, कोई ने सिमत नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है, सिर्फ पैसे होने से गारंटीड सक्सेस नहीं आती, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत सख्त लफ्ज कहे हैं मन सरकार साहब ने। तो भाईजान बात वही है कि जब आप इधर उधर से काम करेंगे अंडर द टेबल तो पकड़े जाएंगे। मैं समझता हूँ हर्षदीप को इन्हें ग्रूम करना चाहिए, नहीं कर रहे। पाकिस्तान को बेस्ट स्पिनर्स लाने पड़ेंगे वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में. अच्छा जी, लाइक अश्विन और जडेजा, ठीक है जी, जाहिर है अच्छे लाने पड़ेंगे, लेकिन जो आपने दुनिया क्रिकेट का नंबर वन बॉलर खिलाया नहीं, आप लाइक अश्विन कह रहे हैं, ये तो पहले बीसीसीआई को बताएं, द्रविड़ साहब को बताएं, रोहित साहब को बताएं। अच्छा जी, आप अश्विन कह रहे हैं लाइक अश्विन, बट आई डाउट दैट अश्विन वुड बी देयर इन वर्ल्ड कप, ही वोंट बी देयर, और आप शायद उसको नहीं रखेंगे. अच्छा जनाब, अब आ जाइए पॉलिटिक्स इन पीसीबी कंटिन्यूज. तो जी भाई भाई, जान देखे 23 साल ये शकील शेख नाम की चीज जो है रही है, अभी भी ट्वीट कर रहा है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने रोका, हुर्रा 17 जुलाई तक रुक गया। शकील शेख की जिंदगी का सबसे बड़ा शौक इसको बड़ी जल्दी मिलने वाला है, जो इन्होंने कारनामे किए हैं और आज लिख रहा है बॉन्डिंग नजम सेठी के साथ तस्वीर से, इसका मतलब है हुकूमत ने कहीं ना कहीं नजम सेठी को आशीर्वाद दी, नजम सेठी ने आशीर्वाद दी अपने इस इस्लामाबाद के, जिसे 23 साल, इतनी बड़ी बदकिस्मती है रिजवान हैदर के, यहाँ अरे लोग मर भी जाएं कब्र में भी कहते हैं कुर्सी साथ दफना दे हमारे। 22-23 साल ये इंसान नुमा चीज जो है ये क्रिकेट की तबाही और बर्बादी करती रही है, अपने बच्चों अपने रिश्तेदारों को नवाजती रही है,
होटलों में स्वीट्स में पाकिस्तान के मुकद्दर का प्लेयरों की बच्चों की मुकद्दर पे ठप्पे लगाती रही है और अब कोर्ट की मदद से इन्होंने कल वाला इलेक्शन, मैं तो कल ही कह दिया था कि इलेक्शन अब मुश्किल है क्योंकि पहली दफा में रिलीफ मिल जाता है हमारी कोर्ट्स में ये है। हालांकि मैं समझता हूं स्पोर्ट्स के फैसले मैदानों में होने चाहिए ना कि ये शकील शेख इतने साल ग्राउंडों पे इस्लामाबाद के काबिज रहा, ये हिसाब देना आमदन कहाँ गई जो पीसीबी से माल पानी आता था प्राइवेटली 50-50 हजार में इसका बेटा लगाता था वो पैसा कहाँ गया, हिसाब दे। हम इंशाल्लाह हिसाब लेंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जाके क्यों, मतलब कोई लाहौर क्यों नहीं, इस्लामाबाद? ये कोर्ट मैटर है, इस पे हम बात नहीं कर सकते। आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है, ये आपको पता है ये क्या चीज है ना, आपको पता है कि ये क्या? दोस्तों को नहीं पता उनको, बलोचिस्तान से तो आप देखें एक आधे अभी क्रिकेटर्स आ रहे हैं, वहां पे तो इतनी क्रिकेट होती भी नहीं, और लाहौर हब है, वहां पे पीसीबी है, लाहौर हाई कोर्ट से कुछ बात समझ में आए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या चलो उधर कराची वाली साइड से कुछ, तो ये कोई पता नहीं क्या वजह है कि जी बलोचिस्तान जाके वहां से हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे ऑर्डर निकलवा लिया है या ले लिया है या जो भी हुआ है, जाहिर है जज साहब ने फैसला दिया है तो उस पे शकील शेख साहब कह रहे हैं जी ब्रेकिंग पीसीबी चेयरमैन इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर June 27 विच इज टुमारो has been stayed by Balochistan High Court. Arguments will be taken up on July 17th. यानी अगले महीने की 17 तारीख को, अब जो वो कह रहे हैं कि जी और आगे लिखा है हुर्रा, यानी कि कामयाबी मिल गई है जी और this is what they wanted. बुर्रा, बुर्रा, एक बहुत बड़ा बुर्रा, ये अपने प्रोग्राम में याद रखिएगा, लव मैंने यूज किया बुर्रा होगा और ये हुर्रा, और जो इसके कहा करते थे कि नजम सेठी नहीं जा रहा फ्रेंसिक लिबॉर्टरी में चेक करा ले, अब आप तैयारी करें आपको हम फ्रेंसिक लिबॉर्टरी में जल्द ले जाने वाले हैं। ये गुल मोहम्मद काकड़ साहब भाईजान जो कौन थे ये मेंबर गवर्निंग बॉडी के मैनेजमेंट कमेटी के, पिशावर से कई टर्म्स पूरी करके, ये एक नेक्सस है, शकील शेख अपने हवारियों को लेके चलता है और बाज नहीं आता। इंशाल्लाह इस दफा इसको जो ये कुछ जर्नलिस्ट है एक आधे वो भी नहीं बचा पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो देखें इसमें से एक सबक तो फिलहाल ये निकलता है कि ये जो साहब आना है जो जका अशरफ साहब ने, या जो अभी पता नहीं क्या सीन बनेगा, कि जब तक आप कुर्सी पे पहुंच ना जाए आपको तो ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए कि जी मुझे तो हाइब्रिड मॉडल पसंद नहीं है तो ये है तो वो है, भाई पहले तुम बन तो जाओ यार मतलब अभी बन तो जाओ फॉर गॉड सेक, अभी वो अभी कश्मकश बाकी है, अभी गुजरना है रस्तों से, पहले समझ तो जाओ सिस्टम को, आ तो जाओ, जो चलाकियां दूसरे लोगों की उसको तो टैकल डाउन कर लो। जी मुझे पसंद नहीं आया मॉडल एशिया कप का, जो 4 मैच हो रहे हैं सारे होने चाहिए थे और ये तो वो तो वो, तो भाईजान आप इतने जहीन हैं, आप पहले कोई अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए कुर्सी उत्ते तक बह जाओ, कुर्सी अजे तक पहुंचे नहीं तुसी और ताड़े नाल गेम पै गई है। और बाकी आप क्या समझते हैं नजम सेठी साहब का बीच में कितना रोल है, हालांकि उन्होंने कहा ट्वीट वगैरह करके सामने पर्दे से तो वो हट गए कि जी देखें जी मैं तो जरदारी और नवाज शरीफ के नून लीग के बीच में पीपल्स पार्टी में कोई तसादुम नहीं चाहता कि मेरी वजह से हो, मैं पीछे हट रहा हूं और अपना मैं इससे किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये उनकी ईमा के बगैर ही हो रहा है सब कुछ या वो बिल्कुल इसमें शामिल है? 100% शामिल है। शकील शेख 23 साल कितने प्रेसिडेंट आए,
तौकीर ज़िया ने इसका हल किया था, उसके बावजूद ये उसकी गुड बुक्स में। अल्लाह की शान देखें, जिसको स्पोर्ट्स की अलबे नहीं पता वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी ले गया हुकूमत से। तो ये होती हैं चलाकियां। हर बोर्ड के चेयरमैन का ये जो है ब्लैकमेलिंग और मुख्तलिफ हरबे कोर्ट केसेस, मतलब है ये सारी जिंदगी रहा है लेकिन इसको आराम नहीं आता। इसकी वसीयत है कुर्सी मेरे साथ ही बोर्ड ऑफ गवर्नर और मैं। अब देखे बदकिस्मती रिजवान के एक बंदा जिसने गली क्रिकेट नहीं खेली, वो टेस्ट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के नामी ग्रामी लोगों को ये हेड होता है कमेटियों का, अब कट पेस करने वाला एक क्लर्क जो क्लर्क बार बार सस्पेंड हुआ करता था वो क्रिकेट के अफेयर चलाता है पाकिस्तान के। इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की नहीं हो सकती। नवम गौतम कह रहे हैं जी जनाब मेरे वाले साहब आ गए जी, आज इशक अपडेट थी हमारा। माशाल्लाह नवम साहब वाले साहब आ गए तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। इज अ ग्रेट गाय। बाकी देखें 31 अगस्त से 15 सितंबर तक मेरे ख्याल में डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं एशिया कप की, तो आप गूगल में डालेंगे एशिया कप 2023 डेट्स तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। वैसे यही है जो मैंने आपको बताया। बाकी आप कह रहे हैं जी माय इंडियंस, मान लो बिलीव मी आप लोग वर्ल्ड कप 50 ओवर क्वालिफाई राउंड सेमीफाइनल नहीं जाओगे, यानी सेमीफाइनल नहीं जाओगे। चीयर्स टू सिलेक्टर्स। वेल सैड मोहसिन सर, वेयर इज अर्शदीप। खैर वर्ल्ड कप की तो अभी सिलेक्शन हुई नहीं ना स्क्वाड की, तो जी भाईजान वो कह रहे हैं जी अर्शदीप को साइडलाइन कर दिया है या क्या सीन है यार। रिजवान हैदर आप माशाल्लाह एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, हर चीज को समझते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप लाइव होस्ट करते थे, इतना बड़ा शो था आपका, आप कह रहे हैं कि अभी तो वर्ल्ड कप, क्या आप ये फरमा रहे हैं बुमराह जैसा बॉलर उसे एशिया कप खेलना चाहिए ताकि वो प्रूव करे फिटनेस और वर्ल्ड कप खेले, यही आपने कहा ना कल या सुबह के शो में कहा? तो भाईजान अर्शदीप जो है उसके पास वो कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो बगैर खेले डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाएगा? तो उसको नहीं लेके जाएंगे इसलिए नहीं खिला रहे। तो भाई यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि गलत कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग जस्टिस। और यही वजूहत है जो इंडिया 10 साल का ड्रॉट है, दिस इज द मेन रीजन टीम सिलेक्शन क्वेश्चनेबल होती है, हाईली क्वेश्चनेबल। आप सुने एक मसूफ है इंडिया के जर्नलिस्ट है और अच्छे खासे जर्नलिस्ट है, सैम्पी राज गुरु साहब, वो फरमाते हैं हर तरफ एक ही बात, खान साहब को टीम में क्यों नहीं लिया, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज नॉट पिक ग्रेट सनी गावस्कर एंड अदर टेस्ट प्लेयर रेज दिस क्वेश्चन, बट इन माय मेमोरी देयर आर मेनी डोमेस्टिक स्टार्स हु नेवर प्लेड फॉर इंडिया इन एवरी एरा। आई नो वन थिंग, इंटरनेशनल प्लेयर्स आर डिफरेंट ब्रीड, खान डज नॉट बिलोंग टू दैट ब्रीड। आई फील आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम दिस जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल है 30-35 साल का होगा, 40 साल का होगा, इसके पास वो कौन सा पैमाना है, वो कौन सी इसके पास चीज है, वो कौन सा इसके पास आला है, वो कौन सा इसके पास फ्यूचर देखने का इस तरह का एक जार है, वो कौन सा इसके पास तरीका कार है कि जो गावस्कर जैसे बड़े नामी ग्रामी इंसान तो देख रहा है लेकिन ये पार्टी बन रहा है। इट मींस अ जर्नलिस्ट इज ट्राइंग टू बिकम अ पार्टी, ये अंदर का आपका नजर आ जाता है। अनिल जहरा भाई, अगर पास्ट में आप ये जो भी साहब है जर्नलिस्ट, पास्ट में अगर आप बता रहे जी ये बंदा डोमेस्टिक में रन का ढेर लगाता रहा लेकिन नेशनल टीम में मौका नहीं मिला, तो ये कोई बहुत अच्छी एग्जांपल तो नहीं है देने वाली। आप बोले जी पास्ट में ये ज्यादतियां होती रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगर फ्यूचर में कभी इस तरह की ज्यादती हो तो वी विल रेज अवर वॉइस। रिजवान जर्नलिस्ट का काम क्या है? रिजवान जर्नलिस्ट का क्या काम है? आप तो बल्कि उसकी फेवर में बात कर रहे हो कि जी ये जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप तो चलो पास्ट में जो हुआ तो हुआ, अगर आप 30-35 साल के हो आपका तो लेना देना नहीं था, आप उस वक्त नहीं होंगे कि जी इस फलाने 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 प्लेयर्स ने इतनी विकेटें ली, इतने आउट किए, इतने रन किए, उसको मौका नहीं मिला इंडियन टीम में,
तब जो भी वजूहत रही हो, शायद के बहुत तगड़ी टीम हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे वसीम जाफर बहुत हाईली में उसको मतलब डोमेस्टिक का बहुत परफॉर्मर था, लेकिन टीम इंडिया भरी पड़ी थी, सचिन, गंगुली, द्रविड़, सहवाग, लक्ष्मण, कहां बीच में कोई जगह कभी बने कभी नहीं बने, कभी खेला कभी नहीं खेला। लेकिन अगर अभी आप बोलेंगे जी पास में इतने लोगों को चांस नहीं मिला, तो अगर इसको नहीं मिल रहा तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ी बेतुकी और बेहुदा किस्म का आर्गुमेंट है। हुई है तो आप उसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे कि आगे भी वो होती रहे, या आप उस पर आप आवाज उठाएंगे कि नहीं पास्ट में हो गया अभी हम इस पर आवाज उठाएंगे। आप प्रमोट करते हैं The some cricketers, they are just, they are not international breed. Then you will only know this after giving the guy chance to play at international. The question is how you know this, that he is an international breed or not? How? जब तक आप चांस नहीं देंगे वो खेलेगा नहीं नेशनल टीम में, तो इसका मतलब है indirectly or directly you are questioning your own domestic system. Becoming a party, number one. Number two, it means a journalist who has hardly spent viewers in life in journalism is challenging one of the greatest in cricket. Sunil Gavaskar ki jo nazar dekh rahi hai, iska matlab hai inki nazar unse zyada dekh rahi hai. नहीं खैर मैं तो जानते नहीं इनको, तो मैं तो जवाब भी नहीं देना था, वो आपने बीच में मैं मिसाल दे रहा हूं आपसे, मैं भी नहीं जानता। अब हर बंदा कोई कोई ट्वीट करेगा तो हम 20-20 मिनट उसी पे बोलते रहेंगे। नहीं अब लेकिन सुना बड़ा तगड़ा कोई चीज है कि जो बात मैं कर रहा हूं कि जब तक आप चांस नहीं देंगे तो फिर भाई पता कैसे चलेगा, वो तो तभी पता चलेगा ना कि इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं है। तो वो तो आप चांस दें, इसका मतलब है कि आपके डोमेस्टिक बिल्कुल कचरा बेकार है, जहां पे वो 80 के स्ट्राइक 80 की एवरेज से रन करी जा रहा है, तो इनडायरेक्टली तो आप यही बात कर रहे हैं फिर आप। तो इनडायरेक्टली तो बेन सरकार साहब ने डायरेक्टली कह दिया कि कोई वीएन ही नहीं है सिलेक्टर्स का, तो वो तो डायरेक्टली कह दिया वर्ल्ड कप विनर ने। संजय शुक्ला जी कहेंगे ना, रोहित, गेल, विराट कोहली, अय्यर, केएल, विकेट कीपर हार्दिक जडेजा, अक्षर, बुमराह, सिराज, कुलदीप, बैटिंग टिल 8, 3 स्पिनर, 3 सीमर, The team looks good for the World Cup. Your views. जनाब आपने रोहित, गेल, विराट कोहली, अय्यर, केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर रखा है जी, नंबर 5 पे, 6 पे पांड्या, 7 पे जडेजा और अक्षर, बुमराह, सिराज और कुलदीप। I don't know हार्दिक would be able to bowl 8 to 10 overs. बुमराह और सिराज, अक्षर और जडेजा दो स्पेशलिस्ट स्पिनर, दोनों ही लेफ्टी, तो वैरायटी बॉलिंग में, स्पिन डिपार्टमेंट में जरा कम है, फास्ट बॉलर में काम कर जाएगा, बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्पिनर्स जो हैं, तो तीसरा कौन सा आपने कहा जी, 3 स्पिनर, तीसरा कौन सा हो गया बीच में, अच्छा कुलदीप, अक्षर और दो फास्ट बॉलर। हाँ ठीक लग रही है वैसे टीम आपकी, 3 स्पिनर है। हाँ भाई आप संजय शुक्ला साहब, वो जगह कोई खाली है बीसीसीआई में, वो ऐड शेड दे रहे हैं आजकल, तो आप भी अपना नाम भिजवा दें सिलेक्टर्स के लिए। अनुपम गौतम जी कह रहे हैं जनाब बंदयाल साहब ने क्या हेयरिंग की है या क्या शकील, नहीं बंदयाल साहब चीफ जस्टिस है और जस्टिस इज़ा फाइन जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं। अनुपम गौतम कह रहे हैं और बंदयाल साहब नहीं भाई, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के, ये उधर के जनाब बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला दिया। ये अमृतपाल औलख साहब है जी और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बर्मिंगम में होते हैं, इनसे बात हुई है मेरी एक दो बार, कह रहे जी अर्श यहाँ काउंटी खेल रहा है जी आई नो इट, काउंटी खेल रहा है और अच्छी बात है, और स्लिप में कई आउट भी करवाए हैं उसने, लेकिन क्या वो इंडिया की स्क्वाड में इसलिए नाम नहीं आया कि काउंटी खेल रहा है, या नाम नहीं आना था तो इसलिए काउंटी खेल रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर तो उसका ना खिलाते तो काउंटी छोड़ छोड़ के हर कोई चला जाएगा अपनी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, जो कि जिसमें पैसा है, इज्जत है, नाम है, मुकाम है, हर चीज है। आयुष गर्ग कह रहे हैं ना ऑल पीपल हु आर अब्यूजिंग मोहसिन भाई दे आर इडियट्स, आई डोंट नो जी, हम तो बॉदर ही नहीं करते, लानत भेजते हैं जो कर रहा है, खुद ही स्पैम कर कुरा के चुप हो जाते हैं। बॉस इन कमिंग वर्ल्ड कप आई शुड बैट ऑन इंग्लैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एंड हु, इंग्लैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, मैंने तो बोला जी इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, मौसम भाई ने इंडिया
इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को एट द मोमेंट कह रहे हैं, तो आप चौथी टीम तो फिर आपने भी नहीं बताई। हु तो आप बताए ना, हमने तो अपना बता दिया। अनुपम गौतम साहब, अच्छा आप उन्होंने तो इंडिया ही रखी, मजे की इंडिया बात है, ने। इंडिया में वर्ल्ड कप है और इंडिया ही नहीं होगी सेमीफाइनल में, कमाल नहीं हो गया। बस भाई, डाउट 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 हो रहे हैं इनको। हाँ जी भाईजान, फिर ऑस्ट्रेलियन लड़कियां भी जीत गई आराम स्कूल से भाई मैं मैच। तो राती गया सी, कम कुल्ले थे चा चुल्ले थे, वो देखो गार्डनर जड़ी है, ऐसी गार्डनरिंग कर दी है, 8 विकेट ले गई दूसरी इनिंग में, 4 पहली इनिंग में, 12 विकेट ले गई, टाइम टाइम पाई पाई हो गए। ठीक है, तो अब ये भाईजान गुड। कितनी बड़ी मार दी है कि 104 पे यूएसए बेचारे को फुड़ फुड़ करके जिम्बाब्वे ने उड़ा दिया, 400 कुछ करके, बड़ी ज्यादती है, घर बुला के कोई इतना बड़े मार्जिन से रहता है यार। बिल्कुल जैसे बात है। चलो दोस्तों, फिर अभी इतना ही। काफी अच्छी गपशप आपसे रही, और थोड़ा सा आई फेल्ट अ बिट सैड फॉर वेस्ट इंडीज क्रिकेट फैंस टू टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऊपर नीचे दो वर्ल्ड कप में, T20 में भी नहीं थी टीम, इसमें भी नहीं थी, बड़ा जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वो टीम है जिसने ग्रेट्स ऑफ द गेम्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, और इतना मतलब डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो अच्छी फीलिंग नहीं आई बीच में। बट एट द सेम टाइम यू फील गुड फॉर द कंट्रीज हु आर डूइंग। अब ये नेदरलैंड वगैरह, ये सारे छोटा सा मुल्क है और काउंटी शॉन्टी खेलते रहते हैं लड़के, इनके इधर उधर दूसरी कंट्री में, इधर फिर इकट्ठे होके फिर आते हैं। अगर वो इतना अच्छा खेल रहे हैं तो ये तो पूरी दुनिया, आईपीएल में हर टीम में एक दो वेस्ट इंडीज के होते हैं, तो स्टिल दे आर डूइंग दिस, फिर क्या किया जा सकता है। एनीवेज, आप बताइएगा आपकी क्या फीलिंग थी, और कमाल का जिस जनाब लोगान वीक बीक साहब ने ऐसी फिर लगान लिया कि कमाल हो गया, आप उस पर भी कमेंट करिएगा। ठीक है, इजाजत लेते हैं आपसे, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, लाइक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब रिजवान यादव चैनल, थैंक यू, गुड बिल्कुल जी, टेक नाइट। केयर।